इंसान जिस सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है वो बस यही है, उनकी इंद्रियां उन्हें एक तरफा बोध देती हैं। तो जीवन विरोधों या विरोधाभासों का ढेर बन जाता है। इसीलिए हमेशा योग में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। देखिए, इंसान जिस सबसे बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है और जिस सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है और सभी जिस सबसे बड़े संघर्ष से जूझते नजर आते हैं, वो बस यही है। उनकी इंद्रियों से एक तरफा बोध होता है। अगर आप ये देखते हैं तो वो नहीं देख सकते, आप रोशनी देखते हैं तो अंधकार नहीं देख सकते, आप ध्वनि सुनते हैं तो मौन नहीं सुन पाते। तो जीवन विरोधों या विरोधाभासों का ढेर बन जाता है। इन विरोधाभासों से गुजरते हुए अपना रास्ता ढूंढना कितना कष्ट है, विश्वास नहीं होता, कितना भ्रम और कितना संघर्ष है। If this nearly 8 billion people, if you document what kind of suffering they are going through in 1 year or in 1 day, अगर ये लगभग 1 अरब लोग, अगर आप दस्तावेज बनाएं कि वे कैसे कष्टों से गुजर रहे हैं 1 वर्ष में या 1 दिन में, बस 1 दिन, ये अनंत काल के लिए काफी होगा। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जिंदा रहने के साधनों को जानने का साधन मान लिया है। आपको पता होना चाहिए कि रोशनी क्या है और अंधेरा क्या है अगर आप इससे गुजरना चाहते हैं। दुनिया में काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन पुरुष है कौन महिला। तो ये अंतर बहुत एक तरफा है। वैसे कई मायनों में ये मैंने कहा है, अब तो हर किसी को ये पता है, अब ये आम बात हो गई है क्योंकि मैं इस बारे में कुछ समय से बोल रहा हूं। आप यहाँ एक पुरुष या एक महिला के रूप में बैठे हैं, पर यहाँ इसलिए हैं क्योंकि एक पुरुष और एक महिला का मिलन हुआ था। आपके माता और पिता दोनों आपके अंदर मौजूद हैं। आपका एक महिला या पुरुष होना सिर्फ एक ऊपरी चीज है, पर आपने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और आप कितने सर्कस से गुजरते हैं। बस पुरुष या महिला होना दुनिया में कितना सर्कस है। रोशनी और अंधेरे को भूल जाइए, वो ज्यादा पेचीदा है। लिंग सबसे आसान चीज है, लेकिन कितना संघर्ष है, समाज में कितना भ्रम है, इस गलत फहमी के बारे में कितने धर्म और शास्त्र लिखे जा रहे हैं लगातार। बात सिर्फ ये है, आप सोचते हैं कि प्रकाश और अंधेरे के बीच दो अलग अलग दुनिया हैं, क्योंकि ऐसा ही दिखाई देता है। दिन में दुनिया एक तरह की लगती है, दुनिया दिन में अलग दिखती है, रात के दौरान दुनिया बिल्कुल अलग दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया एक ही है। मुझे लगता है कि आप इस चीज को कुछ हद तक संध्या काल में अनुभव करते हैं, इसलिए सूरज निकलने से पहले उठना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको कुछ भी करना नहीं है। अगर आप सिर्फ सतर्क रहकर देखते हैं तो धीरे धीरे आपका बोध बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमेशा योग में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि तब संध्या शुरू होती है। संध्या काल में अगर आप जागे रहें तो आप अनुभव करेंगे कि इंद्रियों के गलत बोध के कारण आपके मन ने चीजों में फर्क किया है। ये बात आपके अंदर समा जाएगी। ऐसा कब होता है? कब? जब पुरुष स्त्री हो, पक्षी फूल हो, लाल नीला हो, जीवन मृत्यु, संध्या काल। ये कविता आपने कब लिखी? कब? मुझे लगता है 2019 में, जब मैं अमेरिका में था। हमारा IIIS ईशा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंसेस एक शानदार जगह है। प्रकृति के लिहाज से हमें अभी वो जगह बनानी है। कुछ बन गई है, बहुत कुछ बनानी है, पर प्रकृति के लिहाज से वो वाकई एक शानदार जगह है। और जहां मैं रहता हूं वहां से आप सूर्यास्त से बच नहीं सकते।
सूरज ठीक सामने होता है क्योंकि हम एक चोटी पर हैं और एक घाटी भी है। सूर्यास्त के समय सूर्य आपके स्तर पर होता है। ऐसा आमतौर पर समुद्र किनारे पर होता है, वहां भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। यहाँ सूर्यास्त के समय सूर्य आपके नीचे होता है, तो आप चाहकर भी सूर्यास्त से बिल्कुल नहीं बच सकते। तो जब मैं सूर्यास्त देख रहा था, तब मैंने देखा कि कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं सूर्यास्त की शोभा की बात नहीं कर रहा हूँ। सूर्यास्त में एक स्पष्ट बदलाव होता है, जहाँ ये और वो नहीं होता, बस ये और ये होता है। वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए या ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन या योगा करनी चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त को इतना स्पेशल क्यों मानते थे? आज इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि ऐसी क्या खास बात है इस ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जो इसे दिन के किसी भी टाइम से बिल्कुल अलग बनाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त आखिर में है क्या। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स का टाइम, ये सूरज उगने से 1.5 घंटे पहले का टाइम पीरियड है, या प्रिसाइसली कहें तो ये सूरज उगने से 1 घंटा 36 मिनट पहले का टाइम पीरियड है। इसका लिटरल मीनिंग है द क्रिएटर यानी कि ब्रह्मा का टाइम। ये ट्रेडिशनली रात का लास्ट फेज है, जिसे मुहूर्त भी कहते हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन की सभी प्रैक्टिसेस के लिए एक शुभ टाइम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन, पूजा या किसी और धार्मिक प्रैक्टिस के लिए भी सबसे सुटेबल टाइम है। सुबह की गई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का दिन के किसी भी पार्ट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त एक 48 मिनट का टाइम पीरियड है, जो सूरज उगने से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूरज उगने से 48 मिनट पहले खत्म होता है। ब्रह्मा भगवान का नाम है जिन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया, और मुहूर्त मोटे तौर पर पीरियड या टाइम है। तो ब्रह्मा मुहूर्त को लिटरल सेंस में ब्रह्मा के टाइम में ट्रांसलेट किया जा सकता है, और योगा और मेडिटेशन जैसी सभी प्रैक्टिसेस के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ टाइम माना जाता है। इतना ही नहीं, सिख रिलीजन में इस टाइम पीरियड को अमृत वेला भी कहा जाता है। इसलिए इस टाइम पीरियड के दौरान की गई कोई भी धार्मिक या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज दिन या रात के किसी भी हिस्से की तुलना में बहुत ज्यादा असरदार होती है। ब्रह्मा मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त काल है, और एक मुहूर्त 48 मिनट के बराबर होता है, यानी कि एक पूरी रात में 15 मुहूर्त होते हैं। हर मुहूर्त 48 मिनट तक रहता है, और इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त सूरज उगने से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूरज उगने से 48 मिनट पहले खत्म हो जाता है। सूरज उगने का टाइम ज्योग्राफिकल सिचुएशन और साल के टाइम के अकॉर्डिंग हर दिन बदलता रहता है। इसी तरह ब्रह्मा मुहूर्त का टाइम भी हर दिन बदलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर सूरज उगने का टाइम सुबह 6 बजे है, तो ब्रह्मा मुहूर्त 4:24 पर शुरू होता है, या फिर सूरज उगने का टाइम सुबह 7 बजे है, तो ब्रह्मा मुहूर्त 5:24 पर शुरू होगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बाहर के देशों के लोग इतनी ज्यादा मात्रा में इंडिया में क्यों आते हैं? या क्या आपने कभी ये सोचा है कि मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, कार्ल जंग, विल स्मिथ और काउंटलेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंप्रेसिव लोगों ने ऐसा क्या किया, और क्लियरली उनके रिजल्ट्स इतने वंडरफुल क्यों थे? तो लेट मी टेल यू कि सिद्धा के मुताबिक जब आपका दिमाग बदलता है तो आपकी किस्मत भी बदलती है। यानी कि 2 बजे से 5 बजे के बीच का टाइम मेडिटेशन या चैंटिंग या जाप करने का सबसे परफेक्ट टाइम है, और इस समय मैनिफेस्टेशन और अवेयरनेस अपने पीक लेवल पर होती है। इसी टाइम को ट्रेडिशनली ब्रह्मा मुहूर्त या हमारे क्रिएटर यानी कि ब्रह्मा के टाइम के फॉर्म में जाना जाता है। और इस टाइम की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक अच्छा एग्जांपल है डॉक्टर पिल्ले के टेस्टिमोनियल में से एक स्टूडेंट का एप्रिसिएशन लेटर। डॉक्टर पिल्ले एक तमिल सिद्धा ट्रेडिशन के एक अकम्पलिश्ड मास्टर हैं, जिन्होंने तमिल सिद्धास की सीक्रेट नॉलेज को वेस्ट तक पहुंचाया है। डॉक्टर पिल्ले के एक स्टूडेंट थे जिन्हें अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए $1,00,000 की सख्त जरूरत थी। डॉक्टर पिल्ले की सलाह पर उन्होंने हर सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया, यानी कि अपने नॉर्मल टाइम से 2 घंटे पहले, और सुबह उठकर डॉक्टर पिल्ले के दिए हुए मंत्र का जाप करने लगे। मंत्रों का 2 घंटे जाप करने के बाद वो अपने काम पर चले जाते थे। ऐसा उन्होंने हर रोज किया, और उन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि उन्हें वो अमाउंट नहीं मिल गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये एग्जैक्ट अमाउंट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में उनके पास आया। जाहिर है उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही स्ट्रांग रही होगी। जब हमारा माइंडसेट अभी भी नॉर्मल वे में काम कर रहा है, तब मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस में एक बड़ा बदलाव करें, जो हमारे फेथ, ट्रस्ट और विजन के पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करे। तभी आप उस टाइम के एक्सेलरेशन का एक्सपीरियंस करेंगे, और आपको आपकी मैनिफेस्टेशन लाइफ में 3-डायमेंशनल फॉर्म में दिखाई देगी। इतना ही नहीं, आप खुद को सही टाइम पर सही जगह पर पाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर कोई अचानक से आपकी मदद करने के लिए आपके सामने आएगा, और ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से आप खुद को बाहर निकाल पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम आपका मन और टाइम दोनों रुकने लगते हैं। उस टाइमलेस स्टेट में आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के बहुत करीब होते हैं,
और उस स्टेट में आप कौन, क्यों, क्या, कब, इन सब सवालों को पूरी तरह से भूल जाते हैं। इस स्टेट में आप एकदम डाउट फ्री हो जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। हालांकि अभी जो हमने आपको बेनिफिट्स बताए हैं वो आपको जल्दी बेड से उठाने के लिए काफी होने चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अब हम आपको एक रैशनल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त के दौरान क्यों जागना चाहिए। इंसान एक दैनिक प्राणी है, यानी कि हमारी बॉडी सूरज और नेचर के एलिमेंट के हिसाब से काम करती है, इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए ताकि जब सूरज उगे हम सुबह के सारे रिचुअल्स पूरे कर लें और दिन की नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं। हमें सूरज को एक मेहमान की तरह समझना चाहिए और हर दिन खुली बाहों के साथ उसका वेलकम करना चाहिए। इतना ही नहीं, कई लोगों का ये भी मानना है कि जो लोग सूरज उगने के बाद सोते हैं उन्हें सूर्य देवता का श्राप यानी कि कर्स मिलता है, लेकिन जो जागते हैं उन्हें ब्लेसिंग्स मिलती है। ये भी एक कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से लाइफ में खुशियां आती हैं, और एक बार जब आप इस दौरान जागना शुरू कर देंगे तो आपके पूरे दिन का शेड्यूल ठीक हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना क्यों इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद कहता है कि इंसान के फिजिकल बॉडी में 3 दोष पाए जाते हैं, जिन्हें वात यानी कि हवा, पित्त यानी कि आग और पानी, और कफा यानी कि पृथ्वी और पानी कहा जाता है। इन तीनों दोषों के बढ़ने या घटने का रिलेशन काल चक्र से है, यानी कि सूर्य उगने से 10 बजे तक का टाइम ये कफा का टाइम है, वहीं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का टाइम पित्त का टाइम है, और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का टाइम वात का टाइम है। इसी तरह शाम में भी ये सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का टाइम कफा का टाइम होता है, वहीं रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम पित्त का टाइम होता है, और 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वात का टाइम होता है, और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सुबह के वात फेज के दौरान होता है, यानी कि सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच का टाइम। और योग गुरु कहते हैं कि मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा टाइम सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले है, क्योंकि उस टाइम मन नेचुरली स्टेबल होता है, और ये किसी को भी डीप मेडिटेशन की सिचुएशन हासिल करने में हेल्प करता है। अब हम ऐसी 6 चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमें ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों के अकॉर्डिंग ब्रह्म मुहूर्त में की गई कुछ एक्टिविटीज इंसान को खुद को पहचानने में और अपने इनर स्ट्रेंथ को रियलाइज करने में हेल्प करती हैं। हमारे कुछ एंशियंट बुक्स में जैसे कि धर्मशास्त्र और अष्टांग हृदय में लिखा है, और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी सुबह उठते ही कुछ एक्टिविटीज करने की सलाह देते हैं। इससे आपको अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करने में मदद मिलेगी। अब हम ऐसी 6 एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में करने से आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। सबसे पहला है मेडिटेशन, जो कि खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है, और जब बाकी दुनिया सो रही हो तो मेडिटेशन करने का इससे बेहतर टाइम और क्या हो सकता है। ये टाइम है जब आपके अवेयरनेस का लेवल अपने पीक पर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है सहज समाधि मेडिटेशन। ये ध्यान करने का एक यूनिक मेथड है जिसकी प्रैक्टिस से आप तुरंत ही तनाव और परेशानियों से ऊपर उठकर मन में असीम शांति अनुभव करते हैं और शरीर में सुफुर्ती आती है। सहज एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्राकृतिक या जो बिना किसी प्रयास के किया जाए। समाधि एक गहरी आनंदमयी और ध्यानस्थ अवस्था है, मतलब सहज समाधि वो आसान प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम आसानी से ध्यान कर सकते हैं। दूसरी चीज आप जो इस टाइम कर सकते हैं वो है विजुअलाइजेशन की पावर का यूज करना। ये वही टाइम है जब सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और ये वही टाइम होता है जो आपकी मनचाही चीजें हासिल करने में मदद कर सकता है। मेडिटेशन के ठीक बाद आप सिर्फ 5 मिनट के लिए उन सभी चीजों के बारे में सोचना शुरू करें जो आप हासिल करना चाहते हैं, आपके सपने जो आप हर वक्त देखते हैं, हर चीज जो आप पाना चाहते हैं, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी फैमिली, सुख शांति, पैसा, अच्छी हेल्थ, सब कुछ जो आपने हमेशा से पाने की उम्मीद की थी, इन सब चीजों को हासिल करते हुए इमेजिन करने का ये बेस्ट टाइम है। तीसरी एक्टिविटी है रीड और हियर द नॉलेज, यानी कि अष्टांग हृदय के हिसाब से स्पिरिचुअल नॉलेज और वर्ल्डली नॉलेज को समझने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे यूजफुल टाइम है, और इस टाइम में आप अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं या नॉलेज के इजी प्रिंसिपल्स की स्टडी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, धर्मशास्त्र के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों को स्टडी करने से मेंटल प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प मिलती है। अब चौथी एक्टिविटी है जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी है, प्लान योर डे, यानी कि अपने पूरे दिन की प्लानिंग। ब्रह्म मुहूर्त आपको जो अवेयरनेस लेवल और ताजगी देता है वो टाइम आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजों के प्लान्स बनाने का सही टाइम है, फिर चाहे वो काम हो, फाइनेंसेस हो या आने वाला दिन। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्ट करना, यानी कि अपने पिछले दिन के कामों को याद करना। याद करें कि आपने कितना टाइम जेलेसी, एंगर और ग्रीड जैसी नेगेटिव फीलिंग को दिया है। इन यादों की वजह से खुद को गिल्ट में ना जाने दें, बस उन मोमेंट्स के बारे में अवेयर हो जाएं। अगर आप हर दिन ऐसा करते हैं तो आखिर में इन नेगेटिव इमोशनल पैटर्न पर ध्यान देने की आपकी टेंडेंसी कम हो जाएगी। सिक्स्थ और लास्ट एक्टिविटी है कि अपने पेरेंट्स, गुरु और भगवान को याद करें।
अक्सर हम अपने कामों में और लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को याद करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए ऋषि शौनक हमें अपने माता पिता, गुरु और उस एनर्जी को याद करके नमन करने को कहते हैं, जिसे चाहे तो आप भगवान का नाम दे सकते हैं या एक यूनिवर्सल एनर्जी भी कह सकते हैं। आप इन्हें याद करने के लिए मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ये इस चीज के लिए बेस्ट टाइम है। अब बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस टाइम किसी भी स्पिरिचुअल या मेंटल प्रैक्टिस के फायदों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े और भी कई फायदे हैं, जैसे कि मेंटल पीस और क्लैरिटी। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग में सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से दिखने लगा है। यह आपको अपने थॉट्स और लाइफ को एक साथ रखने में मदद करेगा। फिर है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि खुद के बारे में जानना। जब आपके मन में स्टेबिलिटी रहेगी तो आप अपने बारे में ज्यादा अवेयर होने लगेंगे और आपके सिक्स सेंस में ग्रोथ होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अगला बेनिफिट है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। यानी कि अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं, आपने अपना दिन खत्म होने तक बहुत कुछ कर लिया होगा और खुद में प्रोडक्टिव महसूस होना किसे पसंद नहीं है। अगला फायदा है पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब अगर आप दिन के किसी भी फेज की तुलना में ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन करते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और अगले बेनिफिट की बात करें तो वो है पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, जिसका मतलब है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप अपने एटीट्यूड में धीरे धीरे चेंजेस महसूस करेंगे। किसी भी चीज का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। इस प्रैक्टिस की हेल्प से धीरे धीरे आप हर सिचुएशन की ब्राइट साइड पर फोकस करने लगेंगे और रियलाइज करेंगे कि अब आपके अंदर से गुस्सा, जेलसी और लालच जैसी फीलिंग्स धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। इस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और इस टाइम पर जिस भी चीज पर आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे वो चीज बहुत जल्दी असलियत में आपको मिल जाएगी। अब ब्रह्म मुहूर्त के बेनिफिट्स को देखने के बाद चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा करने से बीमारियां हो सकती हैं। अगली चीज जो हमें ब्रह्म मुहूर्त में अवॉइड करनी चाहिए वो है किसी भी तरह की स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। यानी कि ऐसा कुछ भी ना करें जिसमें बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट की जरूरत हो, क्योंकि ऐसा करने से इंसान की एज कम हो जाती है। लेकिन क्या ब्रह्म मुहूर्त में सबको जागना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त एक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है। ऐसे में हम सबके मन में ये सवाल आता है कि क्या हर इंसान को ब्रह्म मुहूर्त के टाइम उठना चाहिए? तो अष्टांग हृदय के हिसाब से सिर्फ हेल्दी इंसान को ही ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त के दौरान नहीं जागना चाहिए वो हैं प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे, बूढ़े लोग जिन्हें इस टाइम पीरियड में उठने की शुरू से आदत नहीं है, या किसी भी फिजिकल और मेंटल बीमारी से पीड़ित लोग, या जिन लोगों ने अपनी लास्ट मील को डाइजेस्ट नहीं किया है, ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना अवॉइड करना चाहिए। क्या हम ब्रह्म मुहूर्त के बाद सो सकते हैं? ब्रह्म मुहूर्त के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आप में से कई लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद दोबारा सो सकते हैं? तो आइडियली इंसान को जल्दी सोना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त से पहले या उसके दौरान जागना चाहिए ताकि आपको दिन में नींद ना आए। और अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप ये जरूर करें। हालांकि आज की दुनिया में अगर किसी के लिए 8 बजे सोना और 4 बजे जागना प्रैक्टिकल है तो हमारी एडवाइस है कि वो ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठकर योगा या मेडिटेशन करें और उसके बाद शवासन में आंख बंद कर लेट जाएं। इस एक्सरसाइज के बाद आप लास्ट में सो सकते हैं, लेकिन ये हर रात की नींद से अलग होगा। आपको लग रहा होगा कि नींद तो नींद होती है, लेकिन इसे आजमाने के बाद आपको असली फर्क महसूस होगा, क्योंकि जब आप शवासन की नींद से जागते हैं तो आप खुद में एनर्जेटिक और रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। लेजीनेस और नर्वसनेस नहीं, लेकिन हमें सूरज उगने तक उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम ज्यादातर दुनिया सो रही होती है और हवा में शांति के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। आप शांति की सांस ले सकते हैं और सभी स्ट्रेस को बाहर निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, कलयुग के इस दौर में ब्रह्म मुहूर्त दिन का एकमात्र ऐसा टाइम है जब आप महसूस कर सकते हैं कि सतयुग में रहना कैसा लग सकता है। और अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या आपका काम क्रिएटिविटी की मांग करता है तो आपको डेफिनेटली इस टाइम पीरियड का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। आप अपने सिस्टम में क्रिएटिविटी को फ्लो होते हुए महसूस करेंगे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपको एक आखिरी बात कहना चाहते हैं कि अनरियल इमेजिनरी एक्सपेक्टेशन ना रखें। इस बार एक क्लियर दिमाग के साथ इस प्रैक्टिस को अपनाएं और ऐसा करने से आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं और सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का यूज जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें
अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।